In Mark 5:21. और मरकुस अध्याय 5:21. We read about a man called Jairus. हम यहाँ पर याइर के बारे में पढ़ते हैं. Coming, running to Jesus, worrying about his daughter. और वो तो यीशु के पास में दौड़ते हुए आता है, अपनी बेटी की परवाह करता है, चिंता करता है. My daughter is so sick, Lord. और वो कहता है, प्रभु मेरी बेटी बहुत बीमार है. Will you please come and help? क्या तू आकर मेरी मदद करेगा? On the way. उस मार्ग में. People came and said, your daughter has died. लोगों ने उसके पास आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है. Jairus, your daughter is dead. हे याइर, तेरी बेटी मर गई है. There is no use bothering Jesus anymore. अब यीशु को और परेशान मत कर, कोई काम का, अब ये किसी काम का नहीं रहा. Jesus cannot do anything anymore. अब यीशु कुछ भी नहीं कर सकता है. Just leave it. बस इसे जाने दे. They gave hopelessness to Jairus. उन्होंने याइर को आशाहीनता दी. Jesus heard it. यीशु ने इसे सुना. But didn't care about what they said. और उसने जो उन्होंने क्या कहा उसकी परवाह नहीं की. He said, Jairus, do not worry. उसने कहा, हे याइर, चिंता मत कर. Don't be afraid. तू भयभीत ना. Believe in me. मुझ पर विश्वास. Trust in me, Jairus. याइर, मुझ पर भरोसा कर. I will come to your home. मैं तेरे घर में आऊंगा. Came to the home of Jairus. वो याइर के घर में आया. And he saw that little girl. और उसने इस छोटी बच्ची को देखा. Before he did anything, he told Jairus. और उसने वहां पर कुछ भी करने के पहले याइर से कहा, Don't be afraid. तो डर मत. He even told Jairus a joke there. और उसने मानो याइर से एक चुटकुला कहा. Just to make him laugh. उसे बस हंसाने के लिए. In the midst of such a worry. ऐसी चिंता के बीच में. In the midst of his dead daughter. उसकी बेटी जो मर चुकी थी उसके सामने. Jesus just wanted him to be happy. यीशु चाहता था कि वो खुश हो जाए. Said he, she's sleeping, Jairus. उसने कहा, तेरी बेटी सो रही है याइर. She's not dead. ये मरी नहीं है. She's just sleeping. ये तो बस सो रही है. Don't worry. तू चिंता मत कर. Don't worry. तू चिंता मत कर. Jesus has his jokes. यीशु के पास अपने चुटकुले हैं. That's how he will make our problems seem. और इसी तरह से वो सारी समस्याओं को हमें देखने लगाता है. Like they're nothing. कि जैसे मानो वो कुछ भी नहीं है. Like they're very small. वो मानो जैसे बहुत ही छोटे हैं. And he went. और वो आगे गया. And raised up the daughter of Jairus. और उसने याइर की बेटी को जिंदा किया. Gave her life. और उसे जीवन दिया. Thank you, Jesus. Today Jesus will come and answer you in the midst of your trouble. आज यीशु आकर आपकी परेशानी के बीच में आपको जवाब देगा. He will also raise you up from your problems. आपकी समस्याओं से वो आपको उठाकर खड़ा करेगा. No worry can keep you in the grave. कोई भी चिंता आपको कब्र में बंद करके नहीं रख सकती. He will make you so happy. वो आपको इतना खुश करेगा. And push that stone away. और उस पत्थर को लुढ़का देगा. He will answer you. वो आपको जवाब देगा. Are you worried about sickness in your home? क्या आप अपने घर की बीमारी के बारे में चिंता करते हैं? Are you worried about diseases? क्या आप इन बीमारियों के बारे में चिंता करते हैं? My friend, मेरे दोस्त, give that worry into God's hands. आप इस चिंता को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए. He will heal you today. वो आज आपको चंगाई देगा. He will heal you right now. वो अभी इस समय आपको चंगाई देगा. Don't worry about it. आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. However long the sickness might be haunting you. चाहे ये बीमारी आपको कितने भी समय से सताते आ रही है. Jesus will heal you. यीशु आपको चंगाई देगा. And he will make you smile. और वो आपको मुस्कान से भर देगा. Make you very happy. आपको बहुत खुश बनाएगा. He doesn't want you to be worried. वो नहीं चाहता कि आप चिंता करें. He wants to make you like the bird robin. और वो तो आपको उस उकाब के जैसे, उस रॉबिन पक्षी के जैसे आपको ऊंचा उड़ाना चाहता है. Have you seen the bird? आपने क्या उस पक्षी को देखा है? It sings in the morning. और सुबह सुबह वो गीत गाती है. So sweetly. इतना सुंदर गीत गाती है. And it wakes everyone up with a song. और वो जो मानो कोयल जैसी है, वो सुबह सुबह अपने गीतों के द्वारा लोगों को जगाती है. We're so jealous to see a bird like robin. और रॉबिन जैसे जो पंछी है उसे देखकर हमें जलन सी होती है. It seems so carefree. और वो ऐसे लगता है कि उसे कोई चिंता नहीं. No worry. कोई चिंता नहीं. It keeps singing. वो पंछी तो बस गीत गाते रहता है. God wants us to be like a robin. प्रभु चाहता है कि हम उस पंछी के जैसे हो जाएं. Wake up in the morning. सुबह सुबह उठें. Happy. बिल्कुल खुश. With singing. गीत गाते हुए. Praising him. स्तुति करते हुए. Saying, Lord, you're in control. और ये कहते हुए कि प्रभु तू नियंत्रण करता है. I have nothing to worry about. मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. That's how we're going to be. हम ऐसे ही होंगे. We are going to throw the stone of worry away. हम चिंता के उस पत्थर को नीचे फेंक दे. Is it gone? क्या वो चला गया है? Gone from your heart. आपके दिल से चला गया. Right now, give it into God's hands. अभी उसे आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए. And he will make your worry seem like nothing. और वो आपको ऐसे बनाएगा कि मानो आपकी चिंता आपके लिए कुछ भी नहीं.